बातें ये कभी भी ना भूलना, इस कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके साथ ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो दिल को छू जाती हैं। बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हंसाती भी हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रुलाती भी हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी बातें जो हमें जीवन में कुछ सिखा करके भी जाती हैं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। सच्चा प्यार करने वाला आपको गुस्से में गलत बोल तो सकता है, लेकिन आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा प्रेम होता है। किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? बहुत ही खूबसूरत जवाब दोस्तों। अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो जाए वो अपना नहीं होता। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। जो इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करेगा वो आपसे रोज लड़ेगा, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ेगा। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है, वरना बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रख दिए जाते हैं। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। नींद भी क्या चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनके टूट चुका होता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी होती है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देख कर भी बीमार हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।